Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. I am Chavi Tripathi and in today's video I will be sharing my Amazon haul जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही सुंदर bags. Basically इसमें ethnic और western सारे ही kind of bag होने वाले हैं. So अगर आपको video पसंद आए so don't forget to like, share and do subscribe my channel if you haven't. And आप comment जरूर करेगा कि आपको मेरे जितने भी collection में आपको दिखाने वाली हूँ उसमें सबसे अच्छा bag कौन सा लगा. So without wasting more time, let's begin the video. फर्स्ट जो बैग होने वाला है वो है एक पोटली एंड दिस इज द आउटर कवरिंग मास्क बाय Q1 ये ब्रांड का नाम है. पेस्टल ग्रीन कलर का बॉक्स है, उसके अंदर आपको एक गोल्डन कलर के कवर के अंदर पोटली रिसीव होती है एंड इसमें बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी है एंड यहाँ पर भी ब्रांड का नाम लिखा हुआ है. तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने पैक करके दिया था एंड मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ. तो ऐसी एक पोटली है जिसको आप बंद कर सकते हो ऐसे और बहुत ही अच्छे से सेफ एकदम रिसीव हुई थी मुझे एंड दिस इज द पोटली. ये इतनी प्रिटी सी एक आइवरी शेड और वाइट शेड में पोटली है एंड इसमें पूरी चिकन वाली एम्ब्रॉयडरी है. हैंड एम्ब्रॉयडरी तो नहीं है बट हाँ वैसी ही है. और यहाँ पर आपको टैसल्स मिल जाते हैं, ये बहुत ही रिच लगती है. इसमें पूरा गोल्डन यहाँ पर लेस का काम है और बीच में यहाँ पर मिरर, रियल मिरर नहीं लगे हैं बट कुछ वैसे ही मिलते जुलते सीक्वेंस का काफ़ी अच्छा वर्क है. सो ये काफ़ी क्लासी एंड डिसेंट सी लगती है एंड मैंने बहुत सारे चिकन के आउटफिट्स के साथ रील शूट्स करी है तो मैंने इसको कैरी किया. इट्स फॉर 1300 समथिंग एंड इसमें आपको एक पिंक शेड और मिल जाता है बट इट इज़ वेरी प्रिटी एंड स्पेशली आप शादी वगैरह में जाते हो तब आप इसको कैरी कर सकते हो और आप इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हो. ऐसी एम्ब्रॉयडरी है जो कभी आउटडेटेड नहीं लगती है. सो ये था फर्स्ट बैग. एंड इसके बाद सेकेंड जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है इनाया ब्राइडल क्लचेस का बैग एंड इनकी भी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है. बाहर एक आपको कवर मिल जाता है देन इसके अंदर आपको अच्छे से पॉलिथीन में ऐसे पूरा कवर होके बैग मिलता है. मुझे रिसीव हुआ था इट्स अ बोहो क्लच. ये प्यारा सा एक क्लच है जिसमें ब्लैक मेन बेस है और उसके ऊपर काफ़ी सारी बीट्स का और पॉम्पॉम्स का काम है. यहाँ पे इसमें आपको चेन वाला स्लिंग मिल जाता है जिसको आप रिमूव नहीं आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हो बट आप इसको अंदर डाल के एज अ क्लच एंड इसका जो स्टाइल है वो एनवेलप वाला है. आप देख सकते हो कुछ ऐसा लगता है एंड इसमें आपको अंदर अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है. इट हैज़ नो चेन बट इसमें आपको दो सेक्शंस मिल जाते हैं, एक बैक साइड में सेक्शन है और एक आगे. तो ऐसा कुछ लगता है इसमें सीक्वेंस एंड काफ़ी सारी बीट्स का काम. नेक्स्ट जो बैग है वो है सब्यांशी ब्राउन गोल्ड टाइगर पार्टी क्लच विच इज़ अ ड्यू बैग और आप कह सकते हो कॉपी है ये सब्यासाची की. सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. आपका बॉक्स है एंड इसके अंदर आपको एक ऐसा शॉपर भी मिल जाता है जिसमें आपको फ्रंट में ऐसे सब्यासाची का ही प्रिंट है इसमें ऊपर. तो इस शॉपर में आप अपना कोई भी सामान रख सकते हो इफ़ यू वांट बट मैंने इसको अभी साइड में करके रखा हुआ है एंड मेन जो है पैकेजिंग वो ऐसी लगती है. इसका पैकेजिंग है ये एक सैटन की, यहाँ पर आपको ऐसी पोटली मिल जाती है जिसमें ऊपर सब्यासाची का ही प्रिंट है एंड अंदर आपको बबल रैप मिल जाता है. और दिस इज़ हाउ द क्लच लुक्स लाइक. इट टैन ब्राउन कलर का है एंड इट इज़ वेरी क्लासी. सो पूरा सेम वही फील आता है जो सब्यासाची के रियल बैग के साथ आता होगा बिकॉज इट्स अ ड्यू बट उन्होंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी बनाई है, बहुत ही रिच है. और समवन जो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है उसके लिए बहुत ही परफेक्ट है. तो मैंने भी सोचा कि मैं ऐसा कुछ दिखाती हूँ जो कि शायद और लोगों को भी पसंद है और अभी मुझे लगा कि इस पर इन्वेस्ट करना काफ़ी सही रहेगा. ये काफ़ी प्रिटी लगता है. आप लोग देख सकते हो इसमें जो लोगो है सेम वैसे ही लोगो है एंड इसको ऊपर से कवर कर रखा है इससे ये सेफ है. और आपको जस्ट यहाँ से इसको ऐसे प्रेस करना और ये ओपन हो जाता है. इसमें आपको ऐसा कुछ स्लिंग मिल जाता है जिसमें अंदर चेन के साथ में यहाँ पर आपको लेदर वाला ऐसा, इसमें पास में आपको दिखा दे रही हूँ डिटेलिंग है. और इसमें अंदर भी सब्यासाची वाला यहाँ पर एक टैग लगा हुआ है. और क्लच इसको आप एज ए क्लच ले सकते हो, एज ए स्लिंग भी ले सकते हो बट पर्सनली मुझे ये क्लच की तरह ज़्यादा डिसेंट और क्लासी लगता है. बहुत ही प्यारा बैग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड काफ़ी अफोर्डेबल है. तो आप चाहते हो तो आप ले सकते हो. इसकी पैकेजिंग वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छी थी. मैं 10/10 देना चाहूँगी. बैग है वो है ट्रेंड ओवरसीज वीमेन गिफ्ट ब्राइडल बैग ब्रास मेटल क्लच स्लिंग बैग इंडियन एथनिक एंटीक
क्लच, तो ये आपको गोल्डन एंड सिल्वर कलर में मिल जाता है, बट मैंने इसका सिल्वर कलर चूज किया। जो गोल्डन कलर है उसमें आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, बट दिस इज अ ब्यूटिफुल पीस एंड ये बहुत ही एंटीक लगता है। और इसमें आपको स्लिंग में मिल जाता है एंड ऐसे कुछ आपको ओपन करना है और अंदर आपको पूरी वेलवेट की एक कवरिंग मिल जाती है जिससे काफी सेफ रहता है एंड इट हैज सफिशिएंट स्पेस एंड इसमें आप थोड़ा बहुत सामान अपना कैरी कर सकते हो एंड इसमें स्लिंग आपको मिल जाता है। मुझे ये एज अ क्लच लेना ही पसंद है, बट इन केस आप कभी कहीं जा रहे हो और आपको इसको हैंग करना है तभी ये काफ़ी सही है। इसमें कुछ दूसरे डिजाइंस भी आते हैं, डिफरेंट शेप्स आते हैं, बट मुझे ये परफेक्ट लगता है। इसके बाद जो बैग होने वाला है वो एक स्लिंग बैग है एंड इट इज़ फ्रॉम एसेसरीज लंडन, तो उनका ये स्लिंग बैग है एंड इसमें आपको एक सामने फ्रंट में एक ऐसा सेक्शन मिल जाता है, फ्लैप है इसमें, और दिस इज़ द मेन सेक्शन जिसमें आपको जिपर मिल जाती है और यहाँ पर अंदर कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, गोल्डन कलर की जिप लगी हुई है और इसका स्लिंग कुछ ऐसा है, स्ट्रैप है इसमें, एडजस्टेबल है और काफ़ी अच्छे लगा। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि कुछ दिनों बाद, ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद था वैन ह्यूजन और इसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती थी डेली यूज़ में, कहीं पर भी जाना है बिकॉज दीज आर डिसेंट सिंपल, तो आपको कैरी करने में थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगता है और ब्लैक ऐसा कलर है जो सारे आउटफिट के साथ जाता है ऑलमोस्ट। इसमें कुछ दिनों बाद फ्लेक्स निकल गए थे तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एसेसरीज लंडन जैसे ब्रांड का इतना मतलब लो क्वालिटी होगा और मैंने इसके लिए अच्छा खासा पे भी किया था, तो दोनों साइड से बैक से इसका फ्लेक है, इसकी फ्लेक्स निकल रहे हैं तो मैंने आपको लोग को दिखा दिया। एंड इसके बाद जो है ना वो भी एक ब्लैक कलर का बैग है और इसमें रूस्ट वाली डिटेलिंग है, ऐसे बैग्स आपने बहुत देखे होंगे, ये बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहे थे, ट्रेंड में थे, तो मैंने ऐसा बैग लिया था। ये लेदर वाला बैग है और इसमें यहाँ पर ऐसी डिटेलिंग है एंड सिंपल बैगेड बैग जैसे बहुत ज़्यादा चल रहे थे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के, तो मैंने ब्लैक लिया था एंड इसमें अंदर आपको लाइनिंग मिल जाती है और अच्छा खासा इसमें स्पेस है आपको और अंदर एक और जिपर वाला कंपार्टमेंट है। सो ये था सेकेंड बैग और मैं आपको वेस्टर्न वाले बैग दिखा रही हूँ। एंड इसके बाद एक बैग है जो कि मैंने मिनीसो के लिए था, मिनीसो के बैग काफ़ी क्यूट होते हैं, मैंने एक वाइट कलर का बैग लिया था मिनीसो से, ये क्योंकि वाइट भी काफ़ी लगते रहते हैं मुझे, डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स कैरी करने पड़ते हैं तो ब्लैक और वाइट इज़ अ मस्ट हैव। तो इसमें आपको कोई भी शायद हाँ यहाँ पर जिपर कंपार्टमेंट मिल जाता है और अंदर लाइनिंग है, मैंने इसको अच्छे पर हटा दिया है, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ अंदर मिल जाता है, इसमें कोई लाइनिंग नहीं दे रखी है, जस्ट ऐसा यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, ना ही कोई अदर कंपार्टमेंट है, बट इसमें आप डिटेलिंग देख सकते हो ना, यहाँ पर क्रॉकशेल वाली डिटेलिंग है, वाइट कलर का है, शोल्डर बैग है, प्रिटी है ये काफ़ी एंड सिंपल भी है। तो मुझे ऐसे डिसेंट बैग ही पसंद है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वाले बैग्स नहीं पसंद है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो बैग है इस हॉल का वो है ये बैग एंड ये है बेनेटन का, इसमें फ्रंट में आपको बेनेटन एंड इसमें भी ये जो इसका ऊपर आप देख रहे हो नेक टेक्सचर, ये क्रॉकशेल ही है और इसमें आपको हैंग करने के लिए यहाँ पर ऐसी चेन वाली डिटेलिंग मिल जाती है और इट्स अ क्यूट बैग, छोटू सा बैग है और ये मैंने तब लिया था जब ये वाला कलर बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं था एंड नाउ इट इज़ वेरी ट्रेंडी। और यहाँ पर अंदर आपको बेनेटन का जो लोगो है ना उसमें अंदर प्रिंटेड एक पूरा लाइनिंग मिल जाएगी एंड इट हैज़ स्मॉल कंपार्टमेंट यहाँ पर छोटा सा जिसमें जिपर लगी हुई है, बाकी इसमें आप बहुत कुछ अपना सामान नहीं रख सकते हो आई नो, बट इट्स क्यूट और आप इसको ड्रेसेस के साथ कैरी कर सकते हो, चाहे वो सेम कलर की हो या उसमें कुछ ग्रीन डिटेलिंग हो या उसमें ग्रीन गोल्डन डिटेलिंग हो। गाइस ये था मेरा आज का वीडियो एंड आई होप आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर करेगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर आपने नहीं किया है एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल, वहाँ पर मैं बहुत सारा फैशन एंड ब्यूटी रिलेटेड कॉन्टेंट बनाती रहती हूँ। सो या गाइस मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी, लव यू ऑल, बाय बाय।